अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, हम मोबाइल फोन्स को तो काफी ज्यादा कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रोसेसर एक टेक्नोलॉजी का ऐसा पार्ट है। जितने भी लैपटॉप्स हों, कंप्यूटर्स हों, मोबाइल फोन हों, या कोई भी गैजेट हो जो कि आजकल टेक्नोलॉजी में चेंज ला रहे हैं, प्रोसेसर काफी ज्यादा मैटर करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो लेटेस्ट प्रोसेसर का। एक तो है हेलियो G90T जो कि रेडमी नोट 8 प्रो और रियलमी 6 में हमें देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है और अब तक मिड रेंज का सबसे बेहतर परफॉर्मर रहा। वहीं स्नैपड्रैगन ने लॉन्च कर दिया है स्नैपड्रैगन 720G को, जो कि रियलमी 6 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो में देखने को मिलेगा। आज इन दोनों ही प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड कि स्नैपड्रैगन 720G हमें क्या ऑफर कर रहा है, क्या अब भी हमें हेलियो G90T लेना चाहिए या स्नैपड्रैगन 720G की तरफ जाना चाहिए। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। वेल दोस्तों, यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ लॉन्च डेट की। अब मीडियाटेक हेलियो G90T लास्ट ईयर 2019 में 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। वहीं स्नैपड्रैगन 720G की बात की जाए तो रिसेंटली 21 जनवरी को लॉन्च किया गया 2020 की स्नैपड्रैगन की तरफ से। और रियलमी 6 प्रो पहला ऐसा मॉडल है जो कि आपको स्नैपड्रैगन 720G में मिल रहा है। वहीं रेडमी नोट 8 प्रो एक ऐसा मॉडल था जहां आपको हेलियो G90T सबसे पहले देखने को मिला। अब दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं, दोनों ही प्रोसेसर में आपको 8 कोर्स देखने को मिल जाती हैं। स्नैपड्रैगन 720G जो है वो आपको 2.3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहां दो कोर्स देखने को मिलती हैं, क्रायो 460 गोल्ड वाली जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज कोर्टेक्स A76 पर काम करती हैं। बाकी 6 कोर्स की बात की जाए तो क्रायो 465 सिल्वर वाली लगाई गई हैं और यहां 1.8 गीगाहर्ट्ज कोर्टेक्स A55 की आपको स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर हेलियो G90T की बात की जाए, एक 2.05 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, दो कोर्स आपको काम करती हुई मिलेंगी 2.0 गीगाहर्ट्ज कोर्टेक्स A76 पर। वहीं बाकी 6 कोर्स की बात की जाए तो 2.0 गीगाहर्ट्ज कोर्टेक्स A55 पर देखने को मिल जाती हैं। मतलब सीपीयू कुछ बेहतर निकल कर आता है स्नैपड्रैगन 720G का। अब सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो यहां पर सेमीकंडक्टर साइज जितना कम होगा उतना वो प्रोसेसर बेटर होगा। मतलब जो जितने कम स्केल पर बनाया जाएगा वो उतना पावर एफिशिएंट ज़्यादा होने वाला है। स्नैपड्रैगन 720G एक 8 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। वहीं मीडियाटेक हेलियो G90T एक 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। और अगर बात की जाए यहाँ GPU की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ काफ़ी डिफरेंस होगा। अब आपको एड्रीनो 618 का GPU मिलता है स्नैपड्रैगन 720G पर, जहाँ आपको 1866 मेगाहर्ट्ज़ का आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेट देखने को मिलता है। वहीं अगर बात कर लीजिए हेलियो G90T की, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर का जीपीयू बोलूंगा मैं यहाँ पर, माली G76 2EMC4 वाला जीपीयू मिल जाता है। लेकिन यहाँ आपको मैक्सिमम 800 मेगाहर्ट्ज़ की आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको मीडियाटेक हेलियो G90T में जो जीपीयू मिलता है यहाँ पर आपको हाइपर इंजन मिल जाता है। मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं कुछ रिफ्रेश रेट बेहतर मिल जाता है, कलर बूस्ट मिल जाते हैं, कलर की सैचुरेशन थोड़ी सी चेंज होगी। लेकिन अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो जो एड्रीनो के जीपीयू होते हैं उनके कलर्स मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा वाइटिश टोन देखने को मिलता है। वहीं माली के जीपीयूज की बात करूं तो थोड़ा सा पिलाहट, मतलब येलोइश टोन में आपको ये जीपीयूज देखने को मिलते हैं। चाहे आप पिक्चर कैप्चर करना चाहें, चाहे गेमिंग कर रहे हो, आपको थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिल जाता है मीडियाटेक के जीपीयू के अंदर। वहीं अगर बात कर ली जाए रैम सपोर्ट की, अब यहां भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। अब यहां मीडियाटेक हेलियो G90T जो है वो मैक्सिमम 10GB तक की रैम को सपोर्ट करता है और यहां डुअल चैनल आपको रैम देखने को मिलती है दोनों ही प्रोसेसर में। 2133 का आपको मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेट देखने को मिल जाता है मीडियाटेक हेलियो G90T में। वहीं स्नैपड्रैगन 720G मैक्सिमम 8GB LPDDR4X तक सपोर्ट करता है। 4X तो खैर दोनों ही सपोर्ट करते हैं। अगर बात कर ली जाए स्टोरेज टाइप की, दोनों ही प्रोसेसर सेम स्टोरेज टाइप को भी सपोर्ट करते हैं। UFS 2.1 की भी सपोर्ट करते हैं, eMMC 5.1 को भी सपोर्ट करते हैं। अगर बात कर ली जाए कैमरा सपोर्ट की, अब यहाँ आपको थोड़ा सा ज़रूर डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ये समझना मुश्किल हो जाएगा। आपको जो स्नैपड्रैगन 720G है वहाँ आपको सिंगल कैमरा, अगर फ्रंट साइड पर सिंगल कैमरा आता है तो 36 मेगापिक्सल की सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन मैक्सिमम वो जो है 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकेगा, 1080p हो या जो आपका 4K हो। लेकिन अगर बात कर लीजिए बैक साइड के कैमरास की तो यहाँ 48 मेगापिक्सल से लेके 192 मेगापिक्सल की सपोर्ट मिल जाती है स्नैपड्रैगन 720G में। और अगर दो मेन सेंसर, मतलब कोई टेलीफोटो लेंस भी लगाना हो तो 22 मेगापिक्सल के आपको दो सेंसर रियर पर भी देखने को
मिल सकते हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए हीलियो जी 90T की, अब यहां आपको 64 मेगापिक्सल की मैक्सिमम सपोर्ट मिलती है, लेकिन यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल के साथ अगर आप दूसरा सेंसर लगाना चाहे इस प्रोसेसर पर, कंपनी लगाना चाहे तो लगा सकती है। फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो यहां पर मैक्सिमम आपको 48 मेगापिक्सल, और रियर पर डुअल की बात कर ली जाए तो 16+24 मेगापिक्सल का भी सेंसर यूज कर सकते हैं। 4K दोनों सपोर्ट करते हैं। EIS की सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू डाल दी जा सकती है, लेकिन स्नैपड्रैगन 720G की बात की जाए तो कुछ OIS टाइप का भी सेंसर यहां पर लगा सकते हैं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए 4K स्लोमो सारी ही आपको ऑप्शन यहां दोनों ही प्रोसेसर में देखने को मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिस्प्ले सपोर्ट की। अब स्नैपड्रैगन 720G में आपको क्वाड HD प्लस की भी रेजोल्यूशन मिलती है, HDR10 का भी सपोर्ट मिल जाता है, और पिक्सल्स की बात की जाए तो आपको 3360x1440 पिक्सल स्नैपड्रैगन 720G जो है वो सपोर्ट करता है। वहीं हीलियो जी 90T की बात की जाए तो मैक्सिमम आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल सकता है, 2520x1080p के रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहां पर आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, बट HDR10 का सपोर्ट हीलियो जी 90T में नहीं देखने को मिल जाता। अगर मॉडर्न सपोर्ट की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन में X15 मिलता है, GAT15 वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ डाउनलोडिंग स्पीड आपको दोनों ही प्रोसेसर में सेम मिलती है, इवन यहाँ पर आपको जो अपलोडिंग स्पीड है वो भी तकरीबन सेम देखने को मिल जाती है। 150 MBPS पर आप अपलोड कर सकते हैं, 800 MBPS पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात की जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब CPU में तो ऑब्वियसली बात है कि स्नैपड्रैगन काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर होगा। वहीं GPU जो है वो माली G76 एक फ्लैगशिप GPU है, जहां GPU की वजह से MediaTek स्कोर करता है 281,000, नॉर्मली इससे ऊपर भी स्कोर आपको देखने को मिलेगा जहां रैम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर ली जाए 720G की तो यहां 276,000 के देखने को मिलते हैं, तो बेंचमार्क स्कोर्स में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो फोन, जो कंपनी ये इस्तेमाल करती है जिस फोन में, उसको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज भी किया जाता है। अभी किसी में आपको हाइपर इंजन बूस्ट की भी ऑप्शन मिल जाती है, वहीं आपको टर्बो मोड मिल जाता है स्नैपड्रैगन 720G में। अपनी UI के साथ कितना ऑप्टिमाइज होते हैं यह हमें रियलमी और रेडमी के फोन में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अपने कंक्लूजन की बात करूं और अपने ओपिनियन की बात करूं, मेरी पर्सनल चॉइस शुरू से ही स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर रही है, लेकिन जब से MediaTek Helio G90T आया तो काफ़ी सारे ओपिनियन चेंज हो गए हैं। गेमिंग के लिए काफ़ी बेहतर परफॉर्मर है, लेकिन स्टिल अभी भी मैं कहूंगा कि मुझे MediaTek Helio G90T के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर मिल रही है, लेकिन स्नैपड्रैगन 720G जो होगा ये आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड करेगा। तो देखते ये है कि Realme 6 Pro अब पाकिस्तान में पहले आता है स्नैपड्रैगन 720G के साथ, या Redmi Note 9 Pro। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कौन सा GPU बेटर है। GPU में ऑब्वियसली बात है कि यहां पर MediaTek के जो Helio G सीरीज है, 9 सीरीज, 90 सीरीज है, काफी ज्यादा बेहतर GPU लगाए गए हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन भी टोटली इनको कंपीट करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।